ये देखो समुंदर के किनारे आ चुके हैं, पोरबंदर बीच पे। ये है हमारा हुजूर पैलेस सामने। हम पहुंच चुके हैं गांधी जी का जन्म स्थान, जिसके के लिए पोरबंदर फेमस है, कीर्ति मंदिर। ये यात्रा धाम सुदामा जी का जन्म स्थान के पास पीछे है। सीढ़ी से उतर के कुएं में जाने का रास्ता है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा हो चुका है 329 दिन। जी हाँ, डायरेक्ट 323 दिन के बाद 329वें दिन में मिल रहा हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पोरबंदर सिटी में मैं इसीलिए रुका था ताकि मैं इलाज करा पाऊँ, कहीं पे रुक पाऊँ। 323वें दिन में रुका था, एक बहुत ही घटिया सा मिल गया था डोरमेटरी रात में उसी में, और उसके अगले दिन मैं आ गया था यहाँ पे नीलेश गेस्ट हाउस करके। देख सकते हैं कितना साफ सफाई और सब कुछ सारा व्यवस्था है। तो यहाँ पर मैं रुका था और पिछले 6 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि इलाज करवा रहे थे घाव का। घाव आपको दिखाते हैं अब कैसा है, पहले से बहुत ज़्यादा रहा था, ठीक हो रहा है। तो इधर देख सकते हो ये जो है ना, अब ठीक हो गया है, ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते, बस थोड़ा सा उसमें हीलिंग का प्रॉब्लम होगा, वो कुछ चलते चलते भी ठीक हो जाएगा। बाकी डॉक्टर से जा कर के आज मिलते हैं और देखते हैं क्या डॉक्टर बोलता है, कि रेस्ट करना है आपको या आप चल सकते हैं, पसीना वसीना जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं डॉक्टर के पास में पहुँच गया हूँ, डॉक्टर का नाम याद आ गया, डॉक्टर शैलेश कांटारिया। लेकिन इधर का जो डॉक्टर का बोर्ड है उसमें गुजराती में लिखा हुआ है, इधर बहुत सारा चीज़ जो है सब गुजराती में लिखा हुआ है, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ सामने रहते हुए भी मिस हो जाता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर चप्पल आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग आया हुआ है और इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा नंबर सबसे लास्ट में, मुझे नहीं पता था। डॉक्टर के पास से दवाई लेकर के मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और समय हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं 2:41। तो खाना भी ज़रूरी है, ऐसे 12 बजे चालू होता है, लेकिन डॉक्टर के पास गए थे तो इस वजह से लेट हो गया। तो चलते हैं एक जगह पे, यहाँ पे 80 रुपये प्लेट खाना खिलाता है, वहाँ पे खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। खाना खाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं इधर का सिस्टम। ये देखिए एक थाली है, ये तो 80 रुपये प्लेट वाला है, बाकी होटल में अलग सिस्टम रहता है। इस तरह का कटोरी आपको दे दिया जाता है और इसमें यहाँ पे सब्जी है, जो आपका इच्छा है, जो सब्जी खाने का मन है वो सब्जी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा ये लेता हूँ, हालांकि यहाँ के खाना आप देख सकते हैं कि सब मसालेदार ही होता है, तो ज़्यादा नहीं लेंगे। जो भी सब्जी मैं लेना चाहूँ वो मसालेदार ही रहता है, तो खाते हैं इसको और फिर चलेंगे। देखिए ये दाल है, लेकिन दाल हम नहीं ले सकते क्योंकि मीठा रहता है इधर का दाल। और एक सब्जी और है, ये भी कुछ है, ये भी इसमें बहुत तेल मसाला है, तो ये भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा खाने के लिए। और यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है सलाद, तो सलाद यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है, तो सलाद कुछ रख लेते हैं। रोटी है, भर पेट है 80 रुपये में, तो खा लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद फाइनली मैं हम पहुंच चुके हैं गांधी जी का जन्म स्थान, जिसके के लिए पोरबंदर फेमस है, कीर्ति मंदिर। इधर देख सकते हैं दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है कीर्ति मंदिर, एक गुजराती और एक हिंदी। ये है गांधी जी का जन्म स्थान, कीर्ति मंदिर के रूप में इसको बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं।
ऐसा एक गेट है, अंदर जाना है और देखते हैं कैमरा अलाउड है कि नहीं, शायद होगा ही। ये मंदिर है पूरा, धूप बहुत ज़्यादा तेज है अभी तो इस वजह से थोड़ा सा पसीना आ रहा होगा, बाकी बहुत ही अंदर अच्छा है। 7 AM 7:30 बजे सवेरे से 7 बजे शाम तक ये खुलता। ये है मंदिर, कीर्ति मंदिर, गांधी जी का जन्म स्थान। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सब लोग चप्पल खोल के जाते हैं तो हम भी चप्पल खोल के ही जाएंगे। और हाँ, इधर जूता रखने का है, जूता रखने की जगह पे जूता रख देते हैं। और ये अंदर से कुछ इस प्रकार का लुक है। और यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जन्म स्थान, पूज महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान उधर है। चलते हैं और उससे पहले ये सब चीज़ इधर का देखते हैं। म्यूजियम म्यूजियम है, संग्रह स्थान, ये देखो संग्रहालय है। और अब चलिए इस संग्रहालय के अंदर में गांधी जी का जो सब चरखा वरखा है, ओरिजिनल वाला कुर्सी है, वो सब कुछ रखा हुआ है। और ये देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को आपको इस तरह का मिल जाएगा। ये सब किताब वगैरह गांधी जी का के द्वारा लिखा गया, कुछ गांधी जी का जीवन से संबंधित सब किताब है यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने जितने भी काम किए, देखिए द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का सब ये पर्सनल सामान है, ये सब में देख सकते हो ओरिजिनल पर्सनल सामान है। देखो लोटा वोटा है, उस समय इस्तेमाल करते थे जो सब कुछ है, वो छोटा सा बर्तन वर्तन सब कुछ है, नकली गुलाब का फूल है और ये सब सारा कुछ है। तो एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे और कुछ चीज़ें ऐड की गई है। ये सिर्फ नहीं, कस्तूरबा गांधी जी है, सिर्फ गांधी जी इस्तेमाल नहीं करते थे, कस्तूरबा गांधी जी भी हैं। और ये देखो उनका फैमिली से रिलेटेड जो भी लोग होंगे सब इस्तेमाल करते थे ये सब सामान। और पुराना पुराना तस्वीर भी है, मेरा दिमाग मंद और बहुत कमज़ोर होगी, बापू का बचपन, बचपन का तस्वीर है ये बापू का, देख सकते हो इस तरह का दिखते थे। और ये सब चीज़ है और कुछ कुछ देखते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो है गांधी जी का, देख सकते हो, बैरिस्टर गांधी इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी वकील के रूप में थे साउथ अफ्रीका में, तो ये तस्वीर है। और ये भी है कुछ लॉ स्टूडेंट लंदन, ये उनका जब वो जवान थे उस तरह का तस्वीर है। चरखा, चरखा चला रहा हूँ आगे पोरबंदर में गांधी जी का। ये है गांधी जी का जन्म स्थान, चलिए इसके अंदर चलते हैं। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म स्थान, तो अंदर चल रहे हैं और अंदर भी गांधी जी का जन्म स्थान तो मैंने देख लिया, लेकिन अंदर में एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे सब कुछ था, मतलब फोटो वोटो था। ये दो फोटो आप देख सकते हैं, वीडियो तो करना अलाउड नहीं दिया लोगों ने। बाकी जन्म स्थान ये था गेट, और अंदर में यहाँ पे था कमरा जिसमें वो जगह था, और बाकी अंदर का ये हॉल है। और इधर संग्रहालय है गांधी जी का, वो तो मैंने आपको दिखाया है, कुछ तस्वीर है बढ़िया सा देख सकते हो। और एक 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 मंजिल और है, लेकिन उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, दूसरा मंजिल पर नहीं जा सकते, बाकी सब संग्रहालय है। चलो यहाँ पे आ तो गए, देख तो लिए, जिनका नोट में हमेशा फोटो रहता है गांधी जी का, उनको जन्म स्थान पर आ गए, देख लिए। चलो पोरबंदर का सबसे फेवरेट पॉपुलर जगह पर आ गए, एक जगह और है वहाँ आप चलते हैं सीधे यहाँ से। तो गांधी जी का जन्म स्थान देखने के बाद हम जा रहे हैं सुदामा बर्थ पहले, सुदामा जी का जन्म स्थान देखने के लिए। और वो दोनों आसपास में ही है, ज़्यादा नहीं, 400 मीटर से 500 मीटर के आसपास में ही है, तो उधर हम जा रहे हैं अभी। चलिए चलते हैं। और ये है यहाँ का कुछ मार्केट लोकल वाला,
ये तो लगभग बंद है, धूप हुआ है इस वजह से। थोड़ी देर में मैं पहुंच गया सुदामापुरी यात्रा धाम, सुदामा जी का जन्म स्थान के पास। पीछे है मंदिर, चलते हैं अंदर में, अब देखते हैं, घूमते हैं। श्री सुदामापुरी यात्रा धाम, यहाँ तो हिंदी में लिखा गया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पोरबंदर में ये सब चीजें घूमने का देखें, यहाँ पे बहुत सारा कबूतर है, कबूतर आपको दिखा, चबूतर ये देखो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो दिया गया है लेकिन सब गुजराती में लिखा हुआ है, हिंदी में कहीं पे मिलेगा तब, मैं तो कुछ भी पढ़ ही नहीं सकता हूँ, हिंदी जैसा लगता है लेकिन नहीं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है ए सुदामा मंदिर, इसके बाद ये नहीं पढ़ पा, गुजराती लैंग्वेज है थोड़ा सा। ओ चलो, मंदिर इधर है, यहाँ पे है कुछ चीज़ बना हुआ और इसमें लिखा हुआ श्री सुदामा जी की 184 परिक्रमा, ये देखो। और अभी एक अंदर में छोटा सा बगीचा भी है, यहाँ पे आके आप दोपहर वगैरह में बैठ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात, दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है, बहुत कूल है, शांति पहले से। एक और सा चीज़ मिला है, एक सीढ़ी बना हुआ, सीढ़ी से उतर के कुएं में जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे लिखा सुदामा तो पढ़ने में आ रहा है, बाकी इधर क्या है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और ये कुआं टाइप का है, ये देखो, और ये मंदिर, मंदिर के बिल्कुल करीब में पहुँच चुके हैं, बाकी पता नहीं फ़ोटो पढ़वानी सख्त मनाही है, फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, बाकी दूर से देख सकते हो। ये मंदिर है, अंदर में मूर्ति होगा, दर्शन में करके आ जाता हूँ, अंदर तो फोटो वगैरह नहीं ले सकते। सुदामा जी का जन्म स्थान, कृष्ण भगवान के परम मित्र, वो भी आज मैंने देख लिया, लगभग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देख लिया पोरबंदर के अंदर। अब चलते हैं, थोड़ा एक दो और चीज़ देखेंगे, उसके बाद चलेंगे समुंदर किनारे, पहले दर्शन करके आते हैं। और फाइनली देखो ये मैं कहाँ आ गया, ये देखो समुंदर के किनारे आ चुके हैं, पोरबंदर बीच पे, ये पोरबंदर बीच है और हम पोरबंदर बीच के किनारे पे आ चुके हैं। समुंदर का पानी हमसे थोड़ा सा दूर है, बाकी यहाँ से ज़मीन जो है पानी के नज़दीक जाने लायक नहीं है, कहीं पर अगर रास्ता है तो जाते हैं। बाकी ये देखो पोरबंदर बीच, पूरा ये बीच का एरिया है पोरबंदर का, समुद्र तट। और उधर दूर में सूर्य प्रकाश से ढक रहा है, तो वहाँ पे है पोरबंदर का पोर्ट, बंदरगाह। जी हाँ, एक दो तीन बहुत बड़ा बड़ा स्टीमर मेरे को दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, दो तीन स्टीमर है, बड़ा बड़ा स्टीमर है जो दूर से ही दिख रहा है, और वो बंदरगाह है। एक्चुअली ये समुंदर जो है ना, इस तरह से साइड से जाता रहता है, लेकिन वहाँ से देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा किनारा मिल रहा है, वो किनारा नहीं है, वो एक सड़क बना के समुंदर के बीच में लाया गया है, और वो बंदरगाह जहाज देश विदेश से आकर के वहाँ पे रुकता है। फिर क्या है, रील वील बनाते हैं, सिनेमेटिक शॉट्स, देखो वो स्ट्रीक को लंबा करते हैं, कितना हो सकता, बस इतना ही हो सकता। ओ इधर से सनलाइट बहुत तेज आ रहा है, अभी समय हो गया है 4:54 हो चुका है, फिर भी सनलाइट बहुत तेज है, तो इसलिए आज मैं सवेरे ही आ गया। यार देखो समुंदर का पानी बिल्कुल नज़दीक में आ रहा है, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा छुएंगे, आ जा। ओ समुंदर का पानी मेरे पास आ चुका है, बहुत ज़्यादा नमकीन है भाई, बहुत ज़्यादा नमकीन है, पी पाना और इसको छू पाना बहुत ही मुश्किल है। और भाई साहब देखो कुछ सिनेमेटिक सीन, मज़ा आ रहा है,
समुद्र के किनारे आने के बाद आपको अजब अजब सा मतलब गजब सा शांति महसूस होता है। मतलब नथिंग, कोई ट्रैफिक दूर दूर तक टिक ही नहीं सकता है समुद्र के वॉइस के सामने। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीच तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीच ये नहीं है, बट है अच्छा है, शांति है। कोई भी समुद्र के किनारे शांति ही होता है। मैंने देखा कन्याकुमारी में गया, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मस्त एरिया है, समुद्र के बीच में स्टीमर से ले जाया जाता है। ये सब सुविधा यहाँ पर शायद नहीं है, यहाँ बस नॉर्मली है। एक थोड़ा सा ऊंचा जगह है, वहाँ पर चलते हैं। बहुत नमकीन पानी है तो ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा नमकीन, चेहरा का क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन मैंने चेहरा इसलिए धो लिया क्योंकि पसीना से बहुत ज़्यादा ये हो गया था। पोरबंदर को तो लगभग मैंने घूम ही लिया, चलते चलते कुछ बात भी आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाने पीने का क्या है, गुजराती खाना है, गुजराती खाना और गुजराती रहना। अय्या हाँ, होटलों में क्या है कि गुजराती लोग तो पहले पैसा के लिए एक रुपया कभी भी बिजनेस में एक रुपया कभी भी कम नहीं करेंगे। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि अंकल जी 7 रुपया चेंज नहीं है, 200 रुपया का बिल बना था, एक बार खाना खाया था होटल में, क्योंकि मुझे पता नहीं था, जो सामने होटल दिख रहा था उस होटल में मैं चला गया और 40 रुपया का थोड़ा सा चावल दिया और फिर दाल तो मीठा था तो दाल उसके साथ आ रहा था, दाल मैंने नहीं लिया तो उसके बदले में मूंग का सब्जी दिया, मूंग का सब्जी, वो दाल था नमकीन तो उसको लिया, 40 रुपया उसका लगा। एक कटोरी चावल दिया यार, एक कटोरी चावल से क्या होगा। फिर दोबारा मंगाया तो 80 रुपया का चावल, 40 रुपया का दाल और एक दो रोटी भी दे दिया ऊपर से, तो बिल बन गया जाके 200 से ऊपर। अब कहें क्या यार, तो 207 रुपया बिल बन गया। तो पैसा मैं देने गया तो वहाँ पे बोला कि अंकल जी 7 रुपया चेंज नहीं है, तो बोला नहीं 7 रुपया रहने दीजिए, तो बोला नहीं 7 रुपया अगर एक कस्टमर को छोड़ेंगे, दिन भर में 100 कस्टमर आएगा तो 700 जाएगा ना, 700 जाएगा ना, ऐसे बोला। अरे चलो यार, बात तो सही है गुजराती लोगों का, अब पैसा में खरा हो, सामान सही दे तब ना हर एक चीज़। और मैंने देखा कि यार मेरे सामने वो, मैंने गिलास में पानी पिया, फिर वो गिलास को क्या किया कि गिलास पिया, मैं उधर मुड़ा फटाक से उठा के रख दिया कि नेक्स्ट कस्टमर आएगा तो उसी में पिएगा। ये मुझे बहुत ही बुरा लगा, उसके बाद उस होटल में मैं गया नहीं यार। जूठा बर्तन मेरे को भी जूठा में पिला दिया होगा। ये हुआ जहाँ पे मैं रह रहा था उसके नीचे जो होटल था उसके पास। फिर रहते रहते पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे 80 रुपये प्लेट खाना खिलाता है, तो वहाँ पे मैं 4-5 दिनों से खाना खा के रह रहा हूँ और लगभग पोरबंदर मुझे 4 से 5 दिन हो गया, रेस्ट ही कर रहा हूँ प्रॉब्लम की वजह से। और बहुत सारा चीज़ घूम भी लिया और यहाँ पे सी है, मतलब बीच है, जो बीच को भी घूम ही लिया। और फिर आपका जो है यहाँ सबसे पॉपुलर गांधी जी का जन्म स्थान है तो उसको भी घूम ही लिया, सुदामा जी का जन्म स्थान है उसको भी घूम लिया। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, द्वारकाधीश हो गया,
बेट द्वारका हो गया, जो कि समुद्र के बीच में एक टापू है, उसका भी दर्शन हो गया। तो लगभग हो चुका है, यहाँ सोमनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे निकलेंगे हम मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश तो जाना है, ये तो कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ तक जाना है। उसके बाद फिर किधर जाना है ये मुझे डिसाइड करना होगा, या तो मैं छत्तीसगढ़ की तरफ जाऊँगा या तो उत्तर प्रदेश की तरफ जाऊँगा। तो ये दो ऑप्शन है, बाकी थोड़ा और घूमते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं। ज़्यादा किनारा वाला तट पे मैं अभी हूँ, और यहाँ से समुद्र का पानी आया आया आया, भागो 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 भागो। नमस्कार, अभी तो ये पानी शांत है, लेकिन पानी देखो तरीके, ओ यार गाइस। तो एक और टूरिस्ट पैलेस था, हुजूर पैलेस, उसमें भी घूमने जाने वाले थे, लेकिन उसमें क्या है कि जाने का भी बंद है, सब लोग बोल रहे हैं बंद है। तो दूर से देखो, ये है समंदर, पोरबंदर का बीच, और ये है हमारा हुजूर पैलेस सामने, जो पहले का राजा महाराजा था, उसने बहुत कमाल के जगह पे घर बनाया था, मतलब महल बनाया था। समुंदर का मज़ा ले रहा है नज़ारे का, और शांति में भी रहता था। बाकी अभी यहाँ पे मौसम ऐसा हो चुका, अच्छा ऐसा जो मौसम हुआ हमेशा होता है क्या? नहीं नहीं, ये बारिश का मौसम, बारिश आने वाला है ना बहुत तेज, वो आज अचानक आएगा, तो अभी दिवाली तक बारिश आने वाली है। अच्छा अच्छा, तो आज बहुत तेज बारिश का ये बादल जो आता है ना काला, बहुत तेज बारिश लेकर के आता है। चलो मिलते हैं अब सीधे थोड़ी देर बाद। सब जगह पे घूम करके फाइनली आ चुके हैं डॉर्मेट्री में जहाँ पे रुके थे, और शायद एक दिन दो दिन और यहाँ पे रुकना होगा। बहुत जगह पे घूम लिया, और बहुत सारे चीज़ें हैं, लगभग कुछ चीज़ें सेम होता है मंदिर वगैरह, तो ज़्यादा मंदिर वगैरह पे इधर मैं नहीं जाता हूँ। कुछ समुंदर में अच्छा लगा मेरे को, गांधी जी का जन्म स्थान था वहाँ भी, नॉर्मल सा चीज़ था बट एक हिस्टोरिकल पैलेस था, इसलिए मैं गया और अच्छा रहा। तो फिर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।